वहाँ जाना है मुझे। बाकी है रलथम गांव, अपनी वीडियो के माध्यम से पहली बार गांव में जाके आपको गांव दिखाऊंगा। तो ठीक सामने देखिए दोस्तों, यहाँ से कोटली गांव साफ दिखाई देता है। चलिए दोस्तों, एक प्यारी सी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं इस प्यारी सी गुड मॉर्निंग से। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है हम लोगों के? आशा उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो मैं महेश भंडारी अपनी नई वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये भूमुतरखंड के खूबसूरत वादियों से, अपने गाँव खदगेर गाँव से, जहाँ से दोस्तों मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो बना के लेके आता हूँ। तो अभी के टाइम पर दोस्तों मैं आया था धारा पानी लेने के लिए। देखिए दोस्तों, प्यारी सी धूप खिल चुकी है और आसमान में लगे हुए हैं हल्के फुल्के बादल। तो आज से भी लगभग 7:30 का टाइम हो रहा है और प्यारी सी धूप खिली हुई है। बाकी उधर की साइड अभी धूप गई नहीं, क्योंकि जैसे धूप इधर से आती है ना, तो जो पहाड़ों की तरफ अभी धूप नहीं गई, पर इधर की साइड धूप पूरी चली गई है। यहाँ देखे दोस्तों, यहाँ ठीक सामने हो रही है छोटी सी तोरी। पर दोस्तों आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि दोस्तों मैं गया था पिछले ब्लॉग में, आप लोगों ने देखा हो सगोड़े में ककड़ी लेने के लिए। तो कल क्या हुआ, इतनी तगड़ी बारिश हुई ना रात को और इतनी तेज़ हवा चली, जिससे हमने ना सगोड़े के किनारे किनारे बाढ़ की हुई थी ना, सारी लटक गई यानी कि टूट गई है। ये देखिए आप लोग, तो जो लगला है ना ककड़ी का और तोरी का, वो भी टूट गया है यहाँ पर ठीक सामने। देखें दोस्तों यहाँ से देखिए, अचानक मौसम बदल रहा है और अभी के टाइम पे मैं हूँ खेत में। तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि मैं गया था ककड़ी लेने के लिए सगोड़े में। तो यहाँ देखिए, जहाँ से मैंने पिछले ब्लॉग में ककड़ी तोड़ी थी ना, वो वाली बाढ़ पूरी टूट गई है यहाँ से लेके और ठीक वहाँ तक। तो कल रात को बहुत तेज़ बारिश हुई, हवा चली, जिससे हमारी जो पूरी बाढ़ थी ना वो लटक गई है उस साइड, यानी कि टूट गई है। और जो ककड़ी का और तोरी का लगला था वो भी शायद उसी के नीचे दब गया है और आधा टूट गया है। तो अभी के टाइम पे मैं यहाँ पे था देख रहा, तो मुझे यहाँ पे दिखी एक छोटी सी तोरी, ये देखिए आप लोग, ये रही, और साथ में ककड़ियाँ। तो अभी मैं आपको एक ककड़ी दिखाता हूँ इसमें, तो ये देखिए आप लोग, इसमें हो रखी है एक ककड़ी, एक नहीं दो हैं, ये देख सकते हो आप लोग ठीक सामने। तो अब हल्की हल्की ककड़ियाँ लगना भी शुरू हो गया, मतलब कहीं कहीं पर। कल एक खा ली थी, वो खाई क्या, लोगों को दे ली थी हमने। दोस्तों आजकल आप लोगों को ना मेरे व्लॉग ना एक दिन छोड़ के देखने को मिल रहे होंगे। उसका कारण दोस्तों ये है कि आजकल ना मुझे थोड़ा सा ना वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। और होता क्या है कि एक ही जगह की वीडियो बार बार बनाएं तो आदमी थोड़ा बोर सा हो जाता है। तो मतलब मैं डेली घर से वीडियो की स्टार्टिंग करता हूँ, घर ही में बनाता हूँ, तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं घर की वीडियो बनाऊँ। तो हाल फिलहाल में दोस्तों आजकल मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण दोस्तों मेरी वीडियो ना लेट आ रही हैं। तो दोस्तों यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग पिछले जो पुराने ब्लॉग हैं उनको ज़रूर देखें और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। दोस्तों आने वाले टाइम में कोशिश करूँगा मैं बाहर जाके वीडियोस बनाऊँ। और दोस्तों मैंने साथ में कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, जिसमें लिखा था कि आप लोग, आपके मन में जो भी मेरे यूट्यूब से रिलेटिव या मेरे मुझसे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपके मन में सवाल हो, तो दोस्तों ज़रूर पूछना, मैं जिसके जवाब आपको क्यूएनए वाली वीडियो में दूँगा। तो दोस्तों बहुत जल्द जितने अगर 20-25 सवाल आ जाएंगे तो उसके हिसाब से मैं एक क्यूएनए वीडियो भी बनाऊंगा। तो दोस्तों अपने सवाल पूछिए और मैं उनके जवाब आप लोगों को ज़रूर दूंगा। तो कुछ टाइम बाद, एक दो हफ्ते बाद, जो हमारे खेतों में जो धान है उसका भी काम शुरू हो जाएगा, काटना कटाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि ना फसल तो बर्बाद कर ली है जंगली जानवरों ने, जैसे गूंगी हो गए, सुअर हो गए इन्होंने। तो कुछ टाइम के बाद आप लोगों को खेतों के ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे। अभी के टाइम पे यहाँ देखिए आप लोग, खूबसूरत पहाड़ों के बीच खूबसूरत हरियाली छाई हुई है, साथ में प्यारी सी धूप छाई हुई है। दोस्तों इससे पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने हल्की सी क्लिप के माध्यम से देख लिया होगा कि हमारे जो फुकरी गाँव है वहाँ ना श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भाई लोगों ने एक बहुत ही अच्छा आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने मटकी फोड़ी। तो आप लोगों को मैंने हल्की हल्की क्लिप के माध्यम से दिखा दिया है। बाकी पूरी वीडियोस देखने के लिए अंग्रेज ब्लॉग्स में जाइए, जो कि मेरा दोस्त है और बहुत अच्छी वीडियोस बना रहा है, जिसने अभी हाल ही में मतलब एक हफ्ते पहले अपना चैनल खोला है अंग्रेज ब्लॉग्स। यूट्यूब चैनल में जाकर देखिए, मैं साइड में उसके यूट्यूब चैनल का लोगो भी दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो उसमें जाके आप लोग पूरा देखना। मुझे तो टाइम नहीं मिल पाया बट मुझे वीडियो मिल गई थी।
दोस्तों लगभग 6 बजे का टाइम हो रहा है और पहाड़ों में देखिए लगातार मौसम बदलता रहता है, कभी धूप कभी छाया कभी बारिश का मौसम। तो अभी के टाइम पे देखिए कितना भयानक मौसम हो गया, घने घोर बादल लगे हुए हैं और आसमान इतनी तेज़ आवाज़ कर रहा है कि लगता है कि कहीं बादल फट ना जाए। तो चलिए जी दोस्तों, लगभग 6 बजे का टाइम हो चुका है और अभी के टाइम पे मैं आया हूँ सड़क पे। तो इससे पहले दोस्तों पूरे दिन भर मैं था काम पे, 9 बजे चले जाता हूँ, 1 बजे 1:30 बजे आता हूँ, फिर 3 बजे निकल जाता हूँ, फिर 6 बजे तक काम रहता है। तो इसलिए इस बीच मुझे टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का, और होता ही ये है कि एक ही चीज़ क्या दिखाऊं। तो अभी के टाइम पे दोस्तों मैं हूँ सड़क में आया हुआ और मुझे जाना है अभी रलथम गांव में, थोड़ा सा कुछ काम है और काम जो है मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। तो पहले आप लोगों को रलथम गांव में दिखा लेता है। टाइम पे मैं आया हूँ रलथम गांव में, थोड़ा सा कुछ काम था, काम है ठीक, वहाँ जा रहे हैं मुझे, बाकी है रलथम गांव। अपनी वीडियो के माध्यम से पहली बार गांव में जाके आपको गांव दिखाऊंगा। तो यहाँ से ना ऊपर एक ताऊ लोगों का घर है ये ठीक सामने, बाकी एक घर यहाँ है, तो शुरुआत हो जाती है गाँव की यहीं से। तो ये देख सकते हो आप लोग, कुछ घर ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हो रखे हैं, पूरे जो पुराने घर हैं। तो ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ से पूरे जो घर टूटे हुए हैं बीच बीच में, सामने ठीक भाई लोगों की बकरियाँ हैं और मेरे साथ अभी के टाइम पर आयशा और निकिता। तो ये देख सकते हो आप लोग, कुछ घर इधर के साइड हैं, तो यहाँ पर भाई लोगों की बकरियां हैं, इधर जाने का रास्ता है, कुछ घर ये है और बाकी जो ये मकान है पूरा क्षतिग्रस्त हो रखा है। ये मकान क्या क्या, तो ये टूट गया पूरा है। तो ये देखिए रलदम गाँव के कुछ घर ऐसे हैं, एक घर ये बगल पे है, ये क्या क्या, अच्छा पूरा टूट गया है। तो ये पूरा टूटा हुआ है, तो ये घर हैं रलथम गांव के और ये रलथम गांव है। तो जो गांव है ठीक वहाँ ऊपर तक फैला हुआ है, जहाँ टावर है टावर थोड़ा नीचे तक। ये को नाम क्या भाभी, यहाँ बुलम्बुल खोला मैल खोल और बिचल खोल और ठीक धारो को ढोंडा, नहीं बिचल खोल नहीं बोलते, मुल खोल बोलते, मुल खोल मतलब बिचल खोल हम तो ठीक ढोंडा ना। ये भाभी जी बैठी जिन समी है, तो यहाँ पर सभी लोग भाभी लोग हैं ना, भाभी वहाँ सामने ताई जी बैठी हैं, यहाँ पर भाभी लोग हैं, तो पूरे रलथम गांव के एक में बैठे हैं। यहाँ देखिए दोस्तों इन सभी को शराब मारी है भाभी सर में ना वीडियो पर तुम ते सभी भाभी लोग बैठे हैं, भाई लोग बैठे हैं, मतलब देख सकते हो आप लोग बेटे सामने, ये भाभी जी है। और आज भी तुम्हारा गाँव में स्पेशल वीडियो बनो हुई छो, कैल वो रलथम गाँव की वीडियो कब डालोगे बोल, बहुत छिन रलथम गाँव वाला। हाँ तुम भी फर्क जरा दिल्ली वाला, यो इन्होंने यहाँ से प्रवास कर लिया है सीधा दिल्ली गांव आ रखे हैं छुट्टी में। हाँ अच्छा हाँ जान वाले चिन्ह दोस्तों, लास्ट में ये वाला घर है यहाँ से, बाकी उधर कम्युनिटी जाने का रास्ता है नीचे, यहाँ से देखिए हम लोग तो ठीक सामने देखिए दोस्तों, यहाँ से कोटली गांव साफ दिखाई देता है। ये जो सामने है ये है कोटली गांव, तो ये देख सकते हो कोटली गांव पूरा क्लियर दिखता है यहाँ से। तो अभी के टाइम पे मैं पहुँच चुका हूँ चौरखाल में, यहाँ का नाम है, और देख सकते हो आप लोग, तो यहाँ पे भाई लोगों की गौशाला बनी है नहीं तो देख सकते हो। बाकी नीचे मेरा काम था, काम था अखरोट लेने का, तो मैं अखरोट लेने आया था भाई लोगों के घर पे। तो ये नीचे उनका घर है, सामने देखिए कुछ घर ऐसे हैं, बाकी घर कुछ उधर की तरफ हैं, कुछ घर ऊपर हैं ठीक ढोंडा। तो ऊपर संदीप भाई लोगों का घर भी है, तो संदीप भाई अगर वीडियो देखेंगे तो उनका घर तो दिखाई नहीं दे रहा है, और थोड़ा ऊपर है पेड़ों के बीच में, अखरोट के पेड़ के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पर एक घर है, इसको दिखाता हूँ। तो इस घर को देखिए, इस घर की जो बनावट है सजावट है एकदम पुराने लुक में बनाया गया था और बहुत ही अच्छा घर है। तो इसकी जो बनावट है देखिए लो, नीचे से लेके यहाँ नीचे से लेके और ठीक ऊपर तक देखिए इसको किस तरह से बना रखा है, पूरे पुराने टाइप का है जो कि अभी यहाँ बना हुआ एकदम सही है। तो ये देख सकते हो आप लोग, तो जिनका भी घर है ना कितना प्यारा घर है। तो ये देखिए, तो नीचे से और ठीक ऊपर से देखोगे ना इसका जो फ्रंट एरिया है छज्जा टाइप का है एकदम, देखिए पत्थर से देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर लगा रखे हैं छज्जे में, और ऊपर जो इसकी बनावट है पूरी लकड़ियों की है, ऊपर जो साइड डाले हुए हैं फटार डाले हुए हैं।
तो ये देखिए दोस्तों रलथम गांव कुछ इस प्रकार से दिखता है। जो घर है ना सटे हुए हैं एकदम, देख सकते हो आप लोग। तो अभी के टाइम पे दोस्तों मैं हूँ अपने दोस्त दीपक रोथान के घर में, तो उनका घर कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो दीपक रोथान तो है दोस्तों दिल्ली नौकरी गया हुआ।